बोलिए गणपति महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक बहुत ही निराली कथा सुनाने जा रहे हैं। माताएं बहनें इस व्रत को सदैव बड़े मन और स्नेह भाव के साथ किया करती हैं, और ये व्रत है करवा चौथ का व्रत। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चौथ या करवा चौथ भी जिसे कहते हैं, ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत में श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और पूजन से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है और पीहर से विवाहित बेटियों के घर चीनी के करवे भेजे जाते हैं। इस व्रत में चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ देकर सुहाग की लंबी आयु की प्रार्थना करके व्रत का समापन किया जाता है। इसके बाद सुहागिने सास के पांव छूकर उन्हें बायना देकर व्रत खोलती हैं। तो बोलिए गणपति महाराज की जय। तो आइए भक्तों, अब सुनाते हैं कि इस करवा चौथ के समय जो सुहागिने व्रत करती हैं, वो इस व्रत में कौन सी कथा सुनती हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। बोलिए गणपति महाराज की जय। भक्तों, एक साहूकार था, उसके सात बेटे और एक बेटी थी। सभी का विवाह हो चुका था। सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। भाइयों के गले से बहन के बिना एक निवाला भी नहीं उतरता था। वह पहले उसे खिलाते, फिर स्वयं खाते। कार्तिक का महीना था, बहन अपने मायके आई हुई थी। कार्तिक की चौथ को घर की सभी सुहागिनों ने करवा चौथ का व्रत रखा। उस लड़की ने भी व्रत रखा, भाभियों के साथ विधिवत पूजा आदि भी की। अब बस चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर व्रत खोलना था। दिन ढलने पर भाई आए, उनकी पत्नियों ने भोजन परोस दिया। तब भाइयों ने बहन से कहा, बहन भोजन कर ले। बहन ने कहा, नहीं भैया, आप खा लो, मैंने आज करवा चौथ का व्रत रखा है, मैं तो चांद को अर्घ देकर ही खाऊंगी। बहन के बिना भाइयों को भोजन करना अच्छा नहीं लगा। ससुराल में होती तो अलग बात थी, अब सामने बहन सुबह की भूखी बैठी हो तो वे भोजन कैसे करें। सातों भाइयों ने आपस में सलाह की। एक भाई जंगल में चला गया और वहां जाकर आग जला दी। दूसरे ने कहा, चल बहन, चांद निकल आया है, तू उसे अर्घ देकर भोजन कर। वे उसे छत पर ले गए और कपटपूर्ण तरीके से छलनी को इस ढंग से उसके सामने किया कि उसे भी लगा कि चांद निकल आया है। सभी भाइयों ने जब चांद निकलने की बात कही तो उसे भी विश्वास हो गया और उसने उसी नकली चांद को अर्घ दे दिया। फिर वो अपने भाभियों से बोली, भाभी भाभी, चांद निकल आया है, आप भी अर्घ दे लो। उसकी भाभियों ने अपने पतियों के डर से उसे सच्ची बात न बताकर इतना ही कहा, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो बाद में निकलेगा। नादान लड़की भाभियों की बात का मतलब नहीं समझी और भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पूरी का पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो जोर से छींक आई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो ससुराल से हरकारा आ गया। उसने बताया कि लड़की का पति बीमार है, उसे शीघ्र ही ससुराल बुलाया है। मां समझ गई कि चौथ माता रुष्ट हो गई है। मां ने बेटी को विदा करते समय सीख दी कि रास्ते में जो भी मिले उसे पांव लागू कहना,
और जो सदा सुहागन रहो का आशीष दे तो पल्ले में गांठ बांध लेना और उसे सोने का सिक्का दे देना। बहन जब विदा हुई तो रास्ते में सबने यही आशीष दी कि तुम भाइयों की प्यारी बहन हो, तुम भाई बहन का प्यार यूं ही बना रहे। किसी ने कहा सुखी रहो, किसी ने कहा खुश रहो। सदा सुहागन रहो का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजे पर उसकी ननद खड़ी थी। उसने ननद के पांव छुए तो उसने कहा सदा सुहागन रहो, सपूती हो। यह सुनकर उसने पल्लू में गांठ बांध ली और ननद को सोने का एक सिक्का दिया। जब भीतर गई तो देखा कि पति धरती पर लेटा है और मां पास बैठी है। चौथ माता के कोप का प्रभाव ऐसा था कि उसके पति को न मरा कहा जाए न जीवित। उसे देखकर सास ने कोई उत्साह ही नहीं दिखाया और उठकर बाहर चली गई और वह अपने पति की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा, वह पति की सेवा में जुटी रही। सास जो रूखा सूखा भेज देती वही खाकर वह पति की सेवा करती। इसी प्रकार मंगसिर की चौथ आई तो चौथ माता की आवाज आई, करवा लो करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो। वह हक्की बक्की सी इधर उधर देखने लगी मगर चौथ माता कहीं दिखाई नहीं दी। तब दुखी होकर वह बोली, हे चौथ माता, मैं जानती हूं आप मुझसे रुष्ट हैं और आपने ही मेरा सुहाग उजाड़ा है। अब आप मुझे मेरा हंसता खेलता सुहाग लौटाएंगी। हे मां, मेरा उद्धार करो। यह सुनकर माता चौथ बोली, पोष की चौथ आएगी तो उससे ये सब कहना, वो मुझसे बड़ी है, वही कुछ करेगी। इसी प्रकार पोष की चौथ आई, माघ की चौथ आई, फाल्गुन की चौथ, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो की सभी चौथ आई और सभी यह कहकर चली गई कि अपनी व्यथा आगे वाली को कहना। इसी प्रकार सोज की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ तुमसे रुष्ट है, तुमने उसके व्रत को खंडित किया था, उसे मनाओ, वही तुम्हारा सुहाग लौटा सकती है। वह आए तो उसके पांव पकड़कर बैठ जाना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह तुम्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद ना दे। यह कहकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह बड़े गुस्से में बोली, करवा लो करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा लो, व्रत खंडित करने वाली करवा लो, भूखी करवा लो। वह समझ गई कि चौथ माता बहुत गुस्से में है। वह लपक कर भागी और चौथ माता के पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर बोली, हे मां, मुझे क्षमा कर दो, भाइयों के प्यार के मारे मैं व्रत का महत्व तो समझ नहीं पाई। हे मां, मैं बच्ची हूं तेरी, तू मां है, मुझे क्षमा कर, जीवन में अब ऐसी भूल कभी नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दे। अरे पापिन, मेरा पैर छोड़, करवा चौथ माता ने क्रोधित होकर कहा। नहीं मां, नहीं, या तो क्षमा कर या मेरे प्राण ले ले, मेरा पति न जिंदा है न मरे में है, मेरी भूल का दंड उसे क्यों दे रही हो। या तो मुझे मेरा सुहाग लौटा दो या मेरे प्राण हर लो, नहीं छोड़ूंगी तेरे पाँव। यह कहकर बिलख बिलख कर रोने लगी। चौथ माता को उस पर दया आ गई, उसके आंसुओं ने चौथ माता के क्रोध को शांत कर दिया। वह बोली, चल चल, अब छोड़ मेरे पैर, क्षमा किया मैंने तुझे, स्मरण रहे, जीवन में अब कभी ऐसी भूल मत करना, सदा सुहागिन हो, सपूती हो। कहकर माता चौथ ने आंख से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके से रोली लेकर
छोटी अंगुली से उसके पति पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया। और तभी माता अंतर्ध्यान हो गई। पति बोला, मैं तो आज बहुत सोया, बहुत गहरी नींद में था। पत्नी बोली, नींद नहीं थी, पता नहीं क्या था, आप न जीवित थे न मृत। मेरी भूल के कारण चोथ माता आप पर कुपित हो गई थी और उनकी कृपा से ही आज आप अच्छे हुए हैं। जय हो चोथ माता की, जय हो चोथ माता की। उसके पति ने कहा, अब चोथ माता का उजमन करो। उसने प्रसन्नता पूर्वक चोथ माता की कहानी सुनी, करवा पूजन किया और पति पत्नी दोनों ने प्रसाद खाया। फिर हंसी खुशी चौपड़ खेलने बैठ गए। दूसरे घर से सास ने बहू के लिए रूखा सूखा खाना भेजा। दासी लेकर आई और उन दोनों को बैठकर चौपड़ खेलते देखकर भागी भागी वो मालकिन के पास गई और बताया कि बहू बेटा तो खुशी खुशी चौपड़ खेल रहे हैं। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि चौथ माता का व्रत करने से सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह सबके सुहाग की रक्षा करना। जय चौथ माता की, जय चौथ माता की। प्रिय भक्तों, कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें, चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोलें। क्या बोलना है? चंदाए चंद्रावलिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जगमोतियन का हार। कहां बसे तेरा पेवड़ा, कहां बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदाए चंद्रावलिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। बोलिए चौथ माता की जय। बोलिए चौथ माता की जय। चौथ माता की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहां पर चौथ माता की ये कथा समाप्त होती है। बोलिए गणपति महाराज की जय। प्रिय भक्तों, चौथ माता की कथा के पश्चात करवा चौथ का उजमन कैसे किया जाता है ये बताते हैं, और उसमें गणेश जी महाराज की कौन सी कथाएं सुनाई जाती हैं या सुनी जाती हैं वो भी आपको सुनाते हैं। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। करवा चौथ का उजमन। उजमन करने के लिए थाली में 13 जगहें, 4-4 पूरियां और थोड़ा सा शिरा या हलवा रख लें। उसके ऊपर एक तियल अर्थात साड़ी ब्लाउज और नगद रुपये जितनी श्रद्धा हो रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपने सासू जी के पैर छूकर उन्हें अर्पण करें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और तिलक देकर तथा दक्षिणा देकर विदा करें। बोलिए गणपति महाराज की जय।